अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान से बाहर निकलना या बाहर जाना या दूसरे कंट्रीज़ में जाना ही सब मसलों का हल नहीं है। इस वक्त हुआ यह है कि कंट्री की ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए इस वक्त लोग इतने डिस्परेट हो चुके हैं, यंगस्टर्स इतने डिस्परेट हैं कि वो कंट्री से निकल जाएं, चाहे वो किसी तरीके से निकलें। पेरेंट्स परेशान हैं कि हमारे बच्चे यंग हैं, हम लोग अपनी तमाम रिसोर्सेज लगाएं, कहीं इमिग्रेशन मिल जाए, किसी यूनिवर्सिटी में दाखला मिल जाए, ताकि हम वहाँ पे जाके अपने आप को सेटल करने की कोशिश करें, हमारे बच्चों का फ्यूचर प्रोटेक्ट हो जाए, सिक्योर हो जाए। बहुत अच्छी सोच है, हर वालदैन ये सोचते हैं, मैं भी यही सोचता हूँ। दैट्स वाई आई एम सिटिंग इन मलेशिया फॉर द लास्ट 8 ईयर्स। लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि पाकिस्तान से निकलना डेस्परेशन में किसी मसले का हल नहीं है, ना वो आपके मसलों को सॉल्व करेगा ना कंट्री के मसलों को सॉल्व करेगा। अगर आपको अच्छी प्रोफेशनल जॉब मिलती है, आपको अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको कहीं अच्छा मौका मिलता है कि आप जाके अपनी पढ़ाई करें और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कोशिश करें, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। दुनिया में तमाम लोग ये काम करते हैं, चाहे वो अमरीका में रह रहे हैं, चाहे वो मलेशिया में रह रहे हैं, यूके में, यूरोप में, किसी भी जगह पर हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लोग अपने बच्चों को भी भेजते हैं, लोग ख़ुद भी जाते हैं और लोग जाके काम करते हैं। मैंने ख़ुद भी बाहर काम किया, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। मैंने मेरे तकरीबन ज़िंदगी के अच्छा खासा हिस्सा 12-13 साल मैंने मुल्क से बाहर गुजारे हैं। तो प्रोफेशनल्स को काम करना चाहिए, बाहर आना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, एक्सप्लोर करनी चाहिए। लेकिन डेस्परेशन में कंट्री से निकलना इस किसी भी मसले का हल नहीं है। जब भी आप डेस्परेट हो के, फ्रस्ट्रेट हो के अपनी कंट्री से बाहर निकलेंगे, उसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। एक तो ये, आप तमाम प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखते जिस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर रहे होते हैं, इसका नुकसान ये है। दूसरा, आपकी प्लानिंग इफ़ेक्टिव नहीं होती। तीसरा, आप अपनी तमाम जमा पूंजी, जितनी भी रिसोर्सेज हैं, किसी एक चीज़ पे लगा देते हैं, एक जुआ आप खेल लेते हैं और उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, उन रिजल्ट्स के बारे में आप नहीं सोचते। चौथा, ऐसे लोग भी हैं, एक तो इंडिविजुअल्स हैं, फिर फैमिली के साथ, बच्चों के साथ लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं हम बाहर जाके देखेंगे हम क्या करेंगे। भाई, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपने दूसरी कंट्री में जाना है, तो आप वहाँ जाके क्या देखेंगे? यू शुड हैव अ प्लान कि जी मैंने वहाँ पहुँचना है, मेरे पास इतनी रिसोर्सेज हैं, मैं अगर इमरजेंसी होगी तो 6 महीने साल वहाँ सर्वाइव कर जाऊँगा, मैंने जॉब करनी है, मैंने बिज़नेस करना है, और मेरे पास बिज़नेस की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या प्लान्स हैं। आया आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन की है, कुछ आपने रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी कंट्री की, बिज़नेस करने की, काम करने की, वो आपने पूरी की हैं? ये सब चीज़ें जब भी आप कंट्री से बाहर निकलें तो फिर आप सोचें इन पर, वरना कोशिश ये करनी चाहिए। देखें, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 60% पाकिस्तानी यूथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान की 230 मिलियन की पॉपुलेशन में। पाकिस्तान के अंदर स्मॉल बिजनेसेस का बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये हो गया है कि जब बच्चा डिग्री हासिल कर लेता है, चाहे उसने इंजीनियरिंग की है, बिज़नेस किया है, तो उस सबसे पहले तो उसको पेरेंट्स काम नहीं करने देते कि तू डिग्री लेके तो अब ये काम करेगा। वो ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि बच्चा सुबह उठे, वो पेंट शर्ट पहने, टाई पहने, वो जाके दफ्तर में बैठे, ऑफिस में बैठे, टेबल के सामने बैठ के काम करे, शाम को वापस आ जाए। देखिए, ये एक एस्पेक्ट है करियर का। इसके अलावा करियर के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्रीज करके एक छोटे से काम से अपने बिज़नेस का आगाज़ करते हैं और वही बिज़नेस कर उनके लिए $1 बिलियन या $1 मिलियन या जितने भी होता है वो स्केल पर चला जाता है, उनकी जनरेशन कर उस पर सर्वाइव कर रही होती हैं। तो हमारे कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, सिर्फ उनको अवेल करने की ज़रूरत है। अब मैं उसने एक स्टोरी पढ़ रहा था कि इंडिया में दो मियां बीवी बड़ी अच्छी जॉब्स कर रहे थे, प्रोफेशनल जॉब्स कर रहे थे। उनको आइडिया मिला कि जी हमने समोसे बनाने हैं। उन्होंने समोसा की वैरायटी को देखना शुरू किया और उन्होंने अपने बिज़नेस का आगाज़ किया। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा ख्याल है वो 16 लाख या 1.6 मिलियन इंडियन रुपीज़ के समोसे डेली उनका रेवेन्यू वो बेच रहे होते हैं। तो देखिए, ये एक एग्जांपल है। इस तरह की हज़ारों लाखों एग्जांपल्स हैं कि जिसमें आप छोटे छोटे बिजनेसेस से, इवन पाकिस्तान में मैंने कई एग्जांपल्स पढ़ी कि यंग बच्चियाँ हैं या यंग बच्चे हैं, वो छोटे से काम से आगाज़ करते हैं और दे ग्रो वेरी वेल। अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ आप तलाश करें। हमारा एक और भी इस वक्त अच्छी चीज़ जो चल रही है वो ये है कि फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया है। मैं पाकिस्तान टॉप 5 में आता है इस वक्त फ्रीलांसिंग में। लाखों बच्चे हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं।
लेकिन एक और इशू ये भी हुआ है कि जो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं या जिन लोगों ने इनक्यूबेटर्स बनाए हैं वो इतनी मशरूमिंग ग्रोथ पे चले गए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक उसकी नेगेटिव साइड ये भी है कि मे बी कि वो पॉपुलैरिटी के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए भी काम कर रहे होते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि तमाम बच्चों को हमने सिस्टमेटिकली गाइड कैसे करना है। तो स्मॉल बिजनेसिस के लिए गवर्नमेंट लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या पब्लिक लेवल इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत है, काउंसलिंग सेंटर कायम करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे यंग बच्चों को ये बताया जाए कि आपकी ये एजुकेशन है तो आप ये काम कर सकते हैं, ये जॉब करें या आप ये छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करें या छोटा सा काम करें। इस तरह की चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पर भी होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी और गवर्नमेंट लेवल पर भी होनी चाहिए ताकि आप यूथ को एंगेज करें। यूथ आपका बहुत प्रोडक्टिव है, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। यही प्रोफेशन जब दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे जाए काम करते हैं, उनकी ग्रोथ उनकी डेवलपमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है, उनका जो सेंस ऑफ सीरियसनेस है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो उस कंट्री की बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं। तो उनको यहाँ पे एंगेज करने की ज़रूरत है ताकि वो मुल्क से बाहर निकलने का जब सोचें तो फिर वो अच्छे तरीके से जाएँ। वो ठीक है, आपको रेमिटेंस भी आएगी, कंट्री को पैसा भी चाहिए, डॉलर्स बाहर से आएंगे, बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरी जगह जाए काम करेंगे, लेकिन फिर प्लान करके करें, वरना अपने कंट्रीज़ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करने की कोशिश करें, एक्सप्लोर करें ताकि आप वहीं पे ग्रो कर सकें। यूनिवर्सिटीज़ को ये चाहिए कि वो करियर सेंटर्स कायम करें ताकि वो बच्चों को गाइड करें कि आप ये डिग्री करेंगे तो आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, आप ये जॉब कर सकते हैं, और वो इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए कि जॉब फेयर्स हों, एंटरप्रेन्योरशिप के फेयर्स हों, करियर फेयर्स हों, जिसके अंदर बच्चों को बुलाया जाए, कंपनीज़ को बुलाया जाए, वहाँ पर इन्वेस्टर्स को बुलाया जाए ताकि वो बच्चों को गाइड कर सकें, बच्चों को हेल्प कर सकें कि बच्चे जॉब्स के लिए भी जाएं और बच्चे बिज़नेस के लिए भी जाएं। तो ये इस तरह की चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे भी होनी बहुत ज़रूरी हैं। यूनिवर्सिटीज़ को या कॉलेजेस को सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने कमर्शियल जो हमारे गोल्स हैं हम उनको अचीव करें, हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएँ, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा फिर? जो बच्चे डिग्रीज लेके निकलेंगे, अब इंजीनियर है उसको इंजीनियरिंग की जॉब नहीं मिल रही, जो बिज़नेस का स्टूडेंट है उसको बिज़नेस की जॉब नहीं मिल रही, डॉक्टर्स हैं जिनको मैं खुद जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, वो बेचारे डेस्परेट हैं, उनको जॉब ही नहीं मिल रही पाकिस्तान के अंदर, जॉब मिल रही है तो वो मे बी उनको पसंद नहीं आ रही। तो इस तरह के बहुत सारे इशूज़ हैं उस वक्त। जो मेरा ख्याल तो ये है कि सबसे पहले पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हम बच्चों को किस तरफ लेके जाएँ, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ जहाँ भी पढ़ाए जाते हैं, कॉलेजेस में जहाँ बच्चे पढ़ाए जाते हैं वहाँ पे आप करियर सेंटर्स बनाने चाहिए जहाँ बच्चों को काउंसलिंग की जाए, उनको गाइडेंस दी जाए। फिर गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए जो यूथ की एंगेजमेंट के प्रोग्राम हो। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि ये एक प्रोजेक्ट हम करेंगे और लोगों को थोड़ा सा बताएंगे, उनको लेक्चर देंगे, उनको सेमिनार्स करवाएंगे, दिस इज़ द एंड ऑफ द गेम। नो, आप उन बच्चों को प्रैक्टिकली एंगेज करके कुछ एग्जांपल सेट करें, फिर वो बच्चे आगे दूसरे बच्चों को एंगेज करें, तो इस तरह से एक सिलसिला चल पड़ेगा जिससे कंट्री ग्रो करेगा और यूथ भी एंगेज हो जाएगा। और जो ये एक जो इशू है इस वक्त कि हर एक बंदा डेस्परेट होकर मुल्क से भाग रहा है कि जी मैं बाहर चला जाऊँ, वो इशू भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ थाट्स थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैंने इतना टाइम मुल्क से बाहर गुजारा है, मैं इसलिए ये बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप मुल्क से बाहर निकलें, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, आप फैमिली के साथ हैं, फिर आप प्लान करके निकलें, वरना डिस्प्रेशन में मत निकलें। अपने मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, आप उनको अवेल करने की कोशिश करें। मे बी जब मुल्क से आप बाहर आते हैं तो फिर आपको आइडेंटिटी क्राइसिस भी होता है, आपकी एक्सेप्टेंस का इशू भी होता है, आपको की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं बिज़नेस करने की, जॉब्स करने की। अपने मुल्क के अंदर ये सारी फ्रीडम आपके लिए मौजूद होती है, अपने मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें। आई होप कि यू विल फाइंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन योर ओन कंट्री। अल्लाह हम सबको रोशन ख्याली दे और हमें एक दूसरे का एहसास करने की, एक दूसरे के साथ मदद करने की तौफीक दे। अपना बहुत बहुत ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़।